आओ बे फटाफट आओ। हाँ चल यार, उन भी बहुत देर होगी। इराम बो नो वोलू का गए वोली रोटी। चल बे फटाफट चल यार। सारा लगी वोल पुंगड़ा मा। अरे चाचा जी का प्रणाम। अरे चाचा जी चाचा जी का प्रणाम 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 बच्चा प्रणाम। अरे गामा आज का गबर छे रे आणो। अरे आणो ना चाचा जी, जानू छो। कुजानी कुजानी जो काम होलता। अरे पौड़ी मा एक छोटो मोटो टेंडर पड़ियो छे। ओ दारू को। अरे राम 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 राम, दारू ना दारू ना दारू ना। दारू धंधा तो मुन बिल्कुल छोड़े ले चाचा जी। गामा यू तिल ठीक काम करी बेटा, ये बहुत बेकार काम छ। ना बेटा ना, बहुत बुरी चीज है दारू। छोड़ दिया बेटा, छोड़ दिया दारू धन। देख तेरे छोटे छोटे बाल बच्चा छन मेरे बच्चा। भैजी सूरज आभारम पूछो, सूरज आभारम। अरे चाची एक बात पूछनी छे। बोल बेटा। सूरज का खोलू। अरे बेटा आज सुबह सुबह पलीगांव का बैंड मा एक टैक्सी लमडी की बल। अरे राम 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 राम। बोल बेटा कुछ काम छे? ना 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 कुछ काम ना। अच्छी बात। ठीक छे बेटा, ठीक जाओ। काका सूरज उगण छोड़ सकदू, पानी बगण छोड़ सकदू, पर गामा गामा कभी नहीं सुधर सकदू रे। हेरे मगनू। हाँ भैजी। सूरज कक्ष पाली गो। आर यू कगनी पुंगड़ा घर मुक्को आच रे। सुता तू हैसना बैठ। अच्छा भैजी अब भी आनो। चाचा जी नमस्कार। अरे मैंने बोली चाची नमस्कार। वो तो घर पे नहीं है, पुंगरे जा रखे हैं। अरे ये तो सवाल तो कठिन वाली चुबनी है, पर ये गगिचन या भी अच्छी लगनी है। पर उन तुम्हें घर में बुलाया छो? आओ बैठो, वो तो दिन तक घर आ जाएंगे। मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। आप ना गामच में नो गामा। ओह सा रे गा मा ना, सिर्फ गा मा। हाँ जी पता है मुझे। अरे बेटा गामा इन दो साल पहली बार देखी रे, घुमा दी क्यों चक्कर। लीजिए पानी। अरे बैठिए ना, खड़ी क्यों है, बैठिए ना। नहीं नहीं मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। अरे आप बैठ जाएंगी तो यही हमारे लिए चाय हो जाएगी, बैठिए ना। तो आप यहाँ कोई जॉब वॉब? नहीं नहीं मैं यहाँ उत्तराखंड की संस्कृति पे रिसर्च करने के लिए आई हूँ। बस कुछ दिन फिर चली जाऊंगी। अरे अरे जाने की बात, आखिर क्यों करती हैं आप? रहिए बिंदास होके रहिए जब तक आपका जी चाहे। और गामा है मेरे नाम, गामा इस पूरे इलाके में अपना रुतबा चलता है, ठेकेदारी से लेके जमींदारी तक। कभी भी कोई किसी चीज की जरूरत पड़े तो, मतलब रुपया पैसा कुछ भी बेझिझक बोल सकती हैं। समझ गई ना मेरे कहने का मतलब? हाँ हाँ समझ गई मैं। अच्छा तुम्हें जानू छो या गामच में नो गामा। ओ सा रे गामा ना, सिर्फ गामा। जय राम जी की। ये क्यों है भाई,
ये मत आदमी भी उल्टा पड़े ना हे राम 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 हे राम भगवान कई मोरे वाले गाड़ी ये भाई जी नमस्कार नमस्कार भाई जी नमस्कार और सब कुशल मंगल हाँ भाई जी अच्छा 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 और के कना था के पना था के पन बुला राम 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 कई मोरे वाले गाड़िया गाड़ी लमड़ी गाड़ी लमड़ी क्या खट्टा गाड़ो यहां चल बेचारे का अरे भाई जी युद्ध का नहीं पिया कर क्या कम से कम अखबार सुलटू तो पकड़ ये अच्छा यू गाड़ी भी क्या बनायू छो हाँ। अच्छा चलो ठीक ठीक और सबको सब हाँ भाई तम्बाकू बीड़ी और सिगरेट के सेवन से कैंसर का खतरा बढ़ा एक बात बीड़ी और सिगरेट बोले कैंसर होनू भाई है साला आज बेटी बिल्कुल बंद मिला हाथ क्या खुशी माँ अरे तमोकू बीड़ी छुड़ना खुशी माँ अबे तमोकू बीड़ी सिगरेट ना रे हाँ। अखबार पढ़ना बंद क्या क्या मैं भीतर रह सकती हूँ जी क्यों हंस रहे हो जी ऐसा है या तो तुम पूरी हिंदी बोल लो या फिर गढ़वाली बोल लो तुमने तो दोनों की खिचड़ी बना दी देखो जी अगर मैं ऐसे नहीं बचाऊंगी तो गढ़वाली बोलन कनम सीखूंगी और वैसे भी आपकी समन चमता अनुज ना अनुज अनुज और बहुत बुरी तरह से अनुज अच्छा कैसे अनु है मेरा मतलब कैसे आना हुआ अब गे ना मेरी बोली समझी बैठ बैठ हाँ तो बताइए कैसी चल रही है आपकी रिसर्च रिसर्च हाँ वो जो गढ़वाली संस्कृति पे कर रही थी ना आप वो क्या है कि रिसर्च भी चल रही है धीरे 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 मतलब वो क्या है कि मार्केट से कुछ बुक्स लाना बाकी है तो फिर हाँ तो चलिए ना मेरे साथ कल मुझे भी किसी काम से पौड़ी जाना है तो आप अपने लिए बुक्स ले लीजिएगा अच्छा ठीक है हाँ हाँ वहाँ मोबाइल शॉप तो होगी ना हाँ मोबाइल शॉप बहुत है क्यों वो क्या है कि उस दिन मेरा फोन कहीं गिर गया तो फिर ओहो तो आपको पहले बताना था ना ठीक है कल सुबह आप 8 बजे तैयार रहिएगा साथ चलते पौड़ी अच्छा ठीक है क्या सोच रही हो सीता क्या सोच रही हो सूरज इस समय अकेला है बोल दे उससे सारी बातें नहीं नहीं अगर सूरज को पता चला तो क्या सोचेगा मेरे बारे में और अगर बाद में उसे पता चला तो तब क्या होगा क्या क्या इज्जत रह जाएगी तेरी क्या सोच रही है श्वेता जा जाकर बोल दे श्वेता बोल दे श्वेता बोल दे बोल दे अरे श्वेता तुम गई नहीं अभी तक क्या बात है और तुम पूरा पसीना पसीना हो गई हो तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी हाँ ठीक है
सुनो। हाँ बोलो। मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझसे? हाँ 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 बोलो, बेझिझक बोलो। मैं कह रही थी कि मैं अरे मैं क्या, पूरी बात बोलो ना। मैं कह रही थी कि हे भगवान, अब कैसे बोलूं मैं। यही ना कि तुम पौड़ी नहीं आना चाहती। कोई बात नहीं, फिर कभी आ जाना। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। तो फिर पैसों की जरूरत है क्या? नहीं नहीं पैसे हैं मेरे पास। तो फिर क्या बात है? सूरज मैं कह रही थी कि मैं। अरे तुम लोग तो सुने दुनी क्या कबर बिटी दे मनु मी। हाँ हाँ बोल क्या बात है। माँ खानो खानो बुलानी तोल चला। अच्छा खानो, चल से था खानो कह लेना। आवा जल्दी। मेरा मन की या बात ना कह माँ बोली जानी, पिंडालू पात माँ तब लांदो जन पानी। आओ श्वेता, यहाँ से पौड़ी का सबसे अच्छा व्यू दिखाई देता है। यहाँ से? हाँ यहाँ से। इस जगह को मांडा खाल कहते हैं। देखो श्वेता, वो जो सामने शहर है ना, वो है हमारा पौड़ी। अच्छा है। ये सन 1815 में अंग्रेजों ने बसाया था और ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होने के साथ साथ 5 जिलों की कमिश्नरी भी है। रियली? हाँ जी। और यहाँ पिकनिक स्पॉट और टूरिस्ट प्लेस भी हैं। यहाँ भगवान शिव शंकर का मंदिर भी है जहाँ यमराज ने तपस्या की थी। अच्छा, उसे किरकालीश्वर महादेव बोलते हैं। साथ ही यहाँ नागदेव मंदिर और लक्ष्मीनारायण मंदिर और पूरे पौड़ी के भूम्याल देवता कंडोलिया देवता का मंदिर भी है। यहाँ जाके दिल को एक सुकून सा मिलता है। अच्छा सूरज, मुझे भी जाना है पौड़ी। हाँ तो वहीं जा रहे ना हम। वहीं जा रहे? हाँ चलो। आओ श्वेता, ये जो सामने शहर दिखाई दे रहा है यह है श्रीनगर गढ़वाल। ये टीरी के राजा सुदर्शन शाह की राजधानी हुआ करती थी और वर्तमान में यहाँ सेंटर यूनिवर्सिटी और एनआईटी जैसे संस्थान हैं। अच्छा। हाँ, और ये जो सामने नीचे बहती हुई नदी दिख रही है ना। हाँ। इसे अलकनंदा नदी कहते हैं। ये? हाँ ये जो सामने बह रही है ये अलकनंदा नदी है। अलकनंदा। और सामने का जो क्षेत्र दिख रहा है ना वो वहां पड़ता है, ये जो नदी का पार का एरिया है वो टीरी गढ़वाल है। सुनो, वो टीरी डैम भी यही है ना? करेक्ट, यही टीरी डैम पड़ता है और उसके आगे जो है उत्तरकाशी पड़ता है। हाँ, उत्तरकाशी में गंगोत्री पड़ती है जहाँ से पतित पावनी माँ गंगा निकलती है। अब देखो मैं तुम्हें इधर का एरिया दिखाता हूँ। अच्छा, वो जो सामने एरिया दिख रहा है कहाँ? वहाँ जहाँ बर्फ नहीं पड़ी उस एरिया में पड़ता है रुद्रप्रयाग और चमोली डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, वही जो है हमारे बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी का धाम है। ओ, जय बद्री विशाल, जय प्रभु, जय केदारनाथ। यहाँ की हवाओं में कितनी ताजगी है। वाकई में अगर धरती में कहीं स्वर्ग है तो वो यही है। ही वाली कांठियों माँ कभी बादलों का बीच, यूं गहरी घाटियों माँ कभी बोग्यालों का ऐंच। मन सारे अनहोनी मेरे मन
अरे श्वेता, क्या हो गया? इतनी इमोशनल क्यों हो गई? नहीं नहीं, कुछ नहीं, वो जरा मन ज्यादा ही खुश हो गया था। अच्छा, तो अब चलें या अभी और इमोशनल होना है? नहीं नहीं, चलो। अरे श्वेता, नीचे बैठ जाओ। बाबा, बाहर ठंडा है, ठंड लग जाएगी आपको। नहीं नहीं सूरज, आज मेरा खुली हवाओं में उड़ने का मन है। अच्छा। अरे यार, या भी ना। हम दुयूं की हाँ, जून जुनेल सी पानी मंगर सी जोड़ी, हम दुयूं की हाँ। हाँ सुआ, जन्म जन्म तक दगड़ो निभोला सुआ, हो जन्म जन्म तक दगड़ूनी भोला सुआ। रंग बिरंग
रंगा फूलुन धरती सजीचा हे गैला सजीचा क्यारा रूपै की गोंगो चर्चा हुनीचा हे गैला हुनीचा रंग बिरंगा फूलुन धरती सजीचा हे गैला सजीचा रूपा की गोंगो चर्चा हुनी चा हे गैल्या हुनी चा तुए देखी की जून लुकी गे स्वर्ग का गैना बाट भूली गे तुए देखी की जून लुकी गे स्वर्ग का गैना बाट भूली गे जन्म तक दगड़ू निभोला सुआ हो जन्म जन्म तक दगड़ू निभोला सुआ गैला रे बास मन में रोडड़ो सर सर ऊंचा घास बादल बीच वकी बाणो ला रे बास गैला रे बास सूखा गैला मैं तन छोड़ी तू भी है गैला मुखड़ी न मोड़ी सूखा गैला मैं तन छोड़ी गैल्या मुखड़ी न मोड़ी हाँ सुआ जन्म जन्म तक दगड़ू निभोला सुआ हो जन्म जन्म तक दगड़ू निभोला सुआ अरे मैडम चलो अब उतरो भी घर आ गया क्या इतनी जल्दी हाँ जी चलो उतरो नमस्कार दोस्तों तो ये था मनसा का आज का एपिसोड आपसे निवेदन किया जाता है कि आप हमारे वेब सीरीज को शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं अगले एपिसोड मनसा में नमस्कार मन मारे जानी मन सा मन मारे जानी मुख दिख लांदी हो मुख दिख लांदी यार लुकी जानी मन सा मन मारे जानी मन सा मन माही रह जांदी ही वाली कांठियों मां कभी बादलों का बीच यूं गहरी घाटियों मां कभी बोग्यालों का ऐं